नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा और आज हम बात करेंगे आकर्षण के बारे में। हम में से सभी लोग आकर्षक दिखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जब हम भीड़ में जाएं, कोई पार्टी या कोई वेडिंग अटेंड करें तो हम सबसे अट्रैक्टिव लगें, सबसे कैप्टिवेटिंग लगें, सबकी नज़रें हम पे हों, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं, लोग हमारी बात सुनें, लोग हमें देखें और लोग हमारी बात को माने। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका भी उल्लेख मिलता है। आकर्षण का सबसे आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की आकर्षण शक्ति का वर्णन शास्त्रों में बहुत किया गया है। क्यों थे वो इतने आकर्षक, तो ये तो देखिए हम इस पे कोई टिप्पणी करने वाले कोई होते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी में तो जन्मजात आकर्षण होता है, जिनसे सारी सृष्टि चलती है, जो पांचों तत्वों में समाहित हैं, जो संपूर्ण संसार को चलाते हैं, उनके आकर्षण की तो बात ही क्या। लेकिन हम साधारण मनुष्यों में भी सब में आकर्षण होता है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होता है, तो हमको उसको जगाना पड़ता है। जैसे कई लोगों में जन्मजात आकर्षण होता है, बड़े बड़े संतों में देखिए, तो वो क्यों होता है इसका भी मैं कारण आपको विश्लेषण समेत बताऊंगी। तो आकर्षण का कारण ये है कि कुछ हम पदार्थ ऐसे यूज करके, कुछ मंत्र ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, आकर्षण के लिए मैं जिम्मेदार ग्रह अगर मानूं, प्लेनेट है जो आपकी होरोस्कोप में, तो वो है शुक्र ग्रह वीनस, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों को आकर्षण प्रदान करता है। शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र सुगंध का कारक है, शुक्र आकर्षण का कारक है और शुक्र है ऑरा, जो आपका आभा मंडल होता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। काले गोरे का इससे कोई लेना देना नहीं, आपका आभा मंडल कितना स्ट्रांग है ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो शुक्र अगर आपका बलवान है, शुक्र अगर जन्म पत्री में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप नेचुरली आकर्षक तो होंगे। और अगर शुक्र कमजोर है तो उससे संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र को बलवान करना पड़ेगा, शुक्र से संबंधित चीजों का दान करना पड़ेगा, जैसे चावल है, जैसे चांदी है, चांदी नहीं सॉरी जैसे चावल है, चांदी भी हो सकती है, शुक्र और चंद्र दोनों को ठीक करती है। और इसके अलावा आप इत्र ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, शक्कर का दान बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। इसके अलावा शुक्र के मंत्र का जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जो रोज जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। इसके अलावा नाभि पर अगर आप गुलाब जल लगाते हैं, सॉरी नाभि पर अगर आप गुलाब का इत्र लगाते हैं रोज, तो आपकी आकर्षण शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी शुक्र का कारक है, भगवान इंद्र, भगवान कामदेव, ये सब शुक्र का ही कारक है और शुक्रदेव, तो अगर इनकी पूजा की जाए, नित्य उपासना की जाए, इनसे संबंधित मंत्रों का जाप किया जाए, तो आपकी आकर्षण शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। इसके अलावा अरंडमूल की जड़ को अगर ताबीज में पहना जाए तो आकर्षण में वृद्धि होती है। फोरहेड पे अगर चंदन लगाया जाए, गोपी चंदन या पीला चंदन, केसर चंदन, अष्टगंध चंदन, तो उससे भी सामने वाले का सम्मोहन होता है, वशीकरण होता है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपकी हर बात को मानने लगता है। उसके अलावा एक उपाय ये करें कि राधे कृष्ण जी के मंदिर में जाएं और उनको जो पीले गेंदे के फूल चढ़ते हैं उनमें से दो चार फूल उठा लाएं, उनको पीस लें केसर या हल्दी और गंगा जल के साथ और उसको माथे पे लगाएं तो सामने वाला जल्दी सम्मोहित होता है। केसर का तिलक करें तो भी सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। इत्र लगाएं तो भी सामने वाला सम्मोहित होता है। अगर आप लोबान जलाते हैं तो भी ऐसी शक्तियां भी सम्मोहित होती है, दैवीय शक्तियां भी, लेकिन कभी कभी कुछ नकारात्मक शक्तियां भी सम्मोहित हो जाती, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लड़कियां माता लक्ष्मी की आरती करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, तो उन्हें अच्छा घर वर पति और ये सब तो मिलता ही है, उसके अलावा आकर्षण शक्ति भी बहुत पैदा होती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि पूजा पाठ और मंत्र जाप के अलावा आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे लड़कियां क्या करें, गुलाब जल शुक्र का प्रतीक है, और एलोवेरा जेल ले लें, उनको आपस में मिला के मसाज कर लें। ये मैं अपना एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो चेहरे की मसाज करें तो चेहरे में कसावट भी आती है, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, उसमें पानी है वो चंद्रमा का प्रतीक है, शुक्र का भी प्रतीक है, गुलाब जल शुक्र का प्रतीक है, तो चंद्रमा और शुक्र मिलके
आपकी सुंदरता को निखारते हैं, आपके चेहरे पे टाइटनिंग आती है, ब्यूटी आती है, लोग पूछेंगे आपका फेस क्यों ग्लो कर रहा है, तो आप कह दीजिएगा इल्यूमिनेटर लगाया है अपना। अगर गुप्त मंत्र आप किसी को देना नहीं चाहते तो गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिला करके रोज मालिश करें चेहरे पे, फिर कमाल आप देखिए, फिर मुझे कहिएगा। और अगर आपके पास कोई भी मसाजर है तो उससे मसाज कीजिए, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इससे भी अट्रैक्शन बढ़ता है। और एक सबसे खास चीज है आइस पैक। जी हाँ, मैं सर्दियों में बात कर रही हूँ आइस की, लेकिन आइस पैक से अगर आप मालिश करते हैं चेहरे की तो भी ग्लो बढ़ता है। उसके अलावा अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा मंत्र बताने आपको जा रही हूं जो बहुत ही प्रभावी है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जी हाँ, ओम तो है ही संसार का, सृष्टि का सबसे पहला नाद है। क्लीम है माँ काली का, जो आकर्षण और सम्मोहन वशीकरण की देवी है। और कृष्णाय है भगवान कृष्ण, जिनसे शक्तिशाली, जिनसे आकर्षक कोई भगवान नहीं हुए, सब उनकी तरफ आकर्षित रहते हैं। तो इस मंत्र का अगर जाप करते हैं आप तो निगेटिविटी आपके जीवन से भाग जाती है। काला जादू अगर किसी ने कराया हो, कोई टोना टोटका कराया हो, वो समाप्त होने लगता है। आपके जीवन में खुशहाली आती, अपार समृद्धि आती, धन आता है और आकर्षण तो इतना पैदा होता है। आकर्षण से ही आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। अगर आपने धक्के खा लिए और नौकरी नहीं मिल रही, आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। उसके अलावा आपकी अगर सूटेबल जॉब में जाइए, अब ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली है और आप डॉक्टरी में घुस रहे हैं तो आपको कौन जॉब देगा, लेकिन अगर आप सेम फील्ड में जाते हैं और इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो आपसे आकर्षित होकर के आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका काम बनेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको पलट करके देखेंगे। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः जो मैंने बताया है, ये सबसे पावरफुल मंत्र है जो कि मैंने सबसे लास्ट में बताया। इसका जाप लगातार करने से जीवन में आपको आकर्षण के साथ साथ सब कुछ हासिल होगा, क्योंकि लोग आकर्षित होंगे तो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, आपको कुछ समझेंगे। तो ये मंत्र का जाप आप अवश्य करें। तो कैसा लगा मेरा चैनल, कैसी लगती है मेरे द्वारा दी गई जानकारियां? अगर अच्छी लगती है, मैं जानती हूँ अभी मैं बहुत गलतियां करती हूँ, गलतियों से इंसान सीखता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं क्या लाऊं, सब्जेक्ट लिखें कि मुझे इस पे बनाना चाहिए, तो अगर मुझे उस चीज़ का ज्ञान है तो मैं अवश्य बनाऊंगी। नमस्कार।